आज हम देखने वाले हैं शोल्डर फ्रैक्चर एक्सरसाइज, यानी ये हमारा शोल्डर है। जब यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है, मान लो साहब को उम्र का फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पर इस तरह से एक समय के लिए आपको इस तरह से हैंड रखना होता है। तो यहाँ पर कुछ समस्या पैदा हो जाती है, जैसे आपका मूवमेंट का जाम हो जाना, वहाँ पर पेन का बनना, दर्द का बनना, यानी आपका हैंड ठीक से राइज नहीं होना, तो इस तरह के वहाँ पर समस्या बनती है। अब इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हमें करनी होती है, जैसे आप घर बैठे बैठे आप एक्सरसाइज करें और विद इन फ्यू डेज में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब रिजल्ट कितने दिन में मिलेंगे फ्रेंड, ये डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप अपने नियरेस्ट में जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उसका चयन कर लीजिए, ताकि उनकी भी गाइडलाइन आपको प्रॉपर रूप से मिलती हुई रहे। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आप ये जानना चाहते हैं आपका शोल्डर फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक हो जाता है या कितने टाइम पीरियड में जुड़ जाता है, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उसे देख। फ्रेंड, यहाँ पर हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं, बेसिक एक्सरसाइज से हम एडवांस लेवल में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, हमें बेसिक एक्सरसाइज करनी होती है, ताकि आपका पेन कम से कम हो और रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो, जिससे आपका शोल्डर जल्द से जल्दी। फ्रेंड, मान के चलो कि ये मेरा शोल्डर अफेक्टेड है। अब यहाँ पर बेसिक एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है, तो आप इस तरह से एक काउच का एंड लेंगे। काउच का एंड लेने के बाद में आपको इस तरह से हैंड को रखना है, मतलब एक तरह से आगे झुकते हुए। अब जो हमारा हैंड है, इसको धीरे धीरे आप अप एंड डाउन, यानी आगे की ओर और पीछे की ओर आपको लेकर जाना है इस तरह से। उसके अलावा फ्रेंड, इसी को आपको इस तरह से आप बाहर की ओर लेकर जाना है। ये आप 20-30 जितना चाहें, 3 से 4 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे में आप करते रहें, जैसे भी आपको समय मिले। उसके अलावा इसी को हम कराएंगे रोटेशन, तो रोटेशन में इस तरह से हमको रोटेट कराना होता है, जिसे हम बोलते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। इस तरह से क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों तरफ से आपको रोटेशन करवाना है। फ्रेंड, उसके बाद में आप कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह देंगे, तो स्ट्रेचिंग में आपको हैंड को इस तरह से करते हुए आपको पीछे की ओर जानना है इस तरह से, तो इससे हमारे क्या शोल्डर स्ट्रेच हो जाएंगे। इसके बाद में देन फ्रेंड, पीछे से हाथों को काउच पर रखकर नी को बेंड करते हुए आपको इस तरह से पीछे की ओर जाने का प्रयास करना है। वगैरह भी स्ट्रेच होती है और शोल्डर मसल भी स्ट्रेच हो जाता है। तो ये तो करना है आपके शुरुआती में, यानी 2 से 3 दिन इसको करें। इसके बाद में जब धीरे धीरे एक्सरसाइज अच्छे तरह से परफॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज का मॉडिफिकेशन करें, जैसे कि हमारा मेन क्या होता है, रोटेशन। एक तो ऊपर साइड फ्लेक्शन, और ये इसे बोलते हैं हम अबडक्शन, और हमारा रोटेशन एक्सरसाइज, यानी ये रोटेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप इसी को देखिए, इस तरह से बेंड के 90° एंगल मेंटेन करें अप एंड डाउन, इस तरह से आपको रोटेशन करना होता है जी। अब ये रोटेशन एक्सरसाइज, तो इससे आपको पूरा जॉइंट मोबाइल होता है। इसके बाद में जैसे कि आप चाहें हाथों को पीछे लेके शोल्डर को पीछे की ओर ले जाना, ऊपर की ओर स्वंग करना, और इसको भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये तो है कुछ बेसिक एक्सरसाइज। इसके बाद में फ्रेंड, जैसे कि आपका ये अच्छे तरह से परफॉर्म हो जाता है, तो उसके अलावा जैसे आप चाहें तो 1 kg वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैं ये मान लीजिए अफेक्टेड है, तो इसको सामने से होल्ड करना है 10 सेकेंड, 1, 2, 3, इस तरह से आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद में साइड से लेकर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3। उसके अलावा इसी को रखते हुए आपको इस तरह से आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर हैंड मेरा ये अफेक्टेड है, लेकिन मैं इससे बताऊँगा क्योंकि मेरा काउच इधर आ चुका है, तो आप इसे अफेक्टेड मान लीजिए। इस तरह से आपको ये रोटेशन एक्सरसाइज करनी होती है, इसे बोलते हैं इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो इस तरह से आप आराम से इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि पीछे की देखेंगे, तो आप पीछे हैंड लेकर हमारे शोल्डर ब्लेड को पास में लाने की कोशिश करें। उसके अलावा आप चाहें जैसे कि ये अफेक्टेड है, तो इस तरह से आप शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से पीछे की ओर, जैसे कि पीछे की ओर बताया, पीछे की ओर लेके जा सकते हैं, ऊपर सगिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। फ्रेंड, इन एक्सरसाइज को आप बेसिक रूप से करें। इसके अलावा जैसे कि वॉल की होती है, उसके बाद हमने चर्चा नहीं की, तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल बता दिया भाई, सिंपल यही एक्सरसाइज आप आराम से घर पर कर सकते हो और इन एक्सरसाइज आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट का भी चयन लें, ताकि उनके अंडर गाइडलाइन में एक बार उनसे मिल के आएंगे, सर मेरे को ये फ्रैक्चर है, मेरे को कौन कौन सी एक्सरसाइज, हालांकि एक्सरसाइज ये आपको करनी है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन बता देंगे वो आपको भाई, इस तरह से आपको करना है। ग्रेजुअली प्रोग्राम क्या होता है, धीरे धीरे कैसे बढ़ा जाता है, वेट कितना लेना है, धीरे धीरे वेट को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि सबसे पहले आप नॉन वेट बेयरिंग, यानी आपको वजन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे आपको कंफर्टनेस आती है, फिर आप जैसे 1 kg, 1.5 kg, इस तरह से आपको धीरे धीरे वेट बढ़ाना होता है। फ्रेंड, यह था हमारा शोल्डर फ्रैक्चर के बारे में। उसके अलावा जैसे आप यूनिट टाइम अगर देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छे लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।